Note down these examples. Next, first question. In previous case, we are solving just only either increment or decrement operations, but in that case, increment decrement operations will be mixed and other unary operators. As we discussed in priority tables, all unary operators having same priority, exactly same priority. Jitne bhi unary operators sabhi ka priority kaisa hai, exactly same, and same priority unary operators are solved based on associativity rule from right to left directions. अगर एक से ज्यादा यूनरी ऑपरेटर विद इन एक्सप्रेशन फाउंड हो रहे हैं, देन इनके प्रायोरिटी कैसे होंगे? ऑलवेज सेम. प्रायोरिटी के बेसिस पर एक्सप्रेशन को सॉल्व करना पॉसिबल नहीं. देन इस केस में अप्लाई करेंगे ऑलवेज एसोसिएटिविटी रूल, आइदर लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट. मीन्स बाइनरी के केस में अप्लाई होंगे मोस्टली लेफ्ट टू राइट एसोसिएटिविटी रूल. इन केस बट इन केस ऑफ यूनरी ऑपरेटर, यूनरी एक्सप्रेशन आर सॉल्व फ्रॉम राइट टू लेफ्ट बेस्ड ऑन सेम प्रायोरिटी. इन दैट केस जस्ट फर्स्ट एग्जाम्पल कॉन्सेंट्रेट ऑन दैट. इन दैट केस इस एक्सप्रेशन बात करें, मीन्स दैट एक्सप्रेशन. इन दैट इस एक्सप्रेशन में ओवरऑल टोटल ऑपरेशन कितने हैं? फर्स्ट वन एन इक्वल्स टू माइनस प्लस प्लस आई. हाउ मेनी ऑपरेटर्स आर देयर? देयर आर थ्री ऑपरेटर, असाइनमेंट, यूनरी माइनस, यूनरी प्लस प्लस. असाइनमेंट इज बाइनरी ऑपरेटर, बट माइनस एंड प्लस प्लस इज एन यूनरी ऑपरेटर. माइनस एंड प्लस प्लस इज एन यूनरी ऑपरेटर, देयरफॉर इट इज हैविंग सेम प्रायोरिटी. मीन्स माइनस और प्लस प्लस का प्रायोरिटी कैसा? सेम. सेम प्रायोरिटी यूनरी ऑपरेटर विल बी सॉल्व बेस्ड ऑन एसोसिएटिविटी रूल फ्रॉम राइट टू लेफ्ट डायरेक्शन. तो राइट टू लेफ्ट अगर आप इसको सॉल्व करोगे राइट टू लेफ्ट के अकॉर्डिंग, सबसे पहले आई के रिस्पेक्ट में बात करें, आई के लिए ऑपरेंड कौन सा, ऑपरेटर कौन सा अप्लाई हो? माइनस और प्लस प्लस. प्लस प्लस, प्लस प्लस ऑपरेटर अप्लाई करेंगे, देन प्लस प्लस के बाद रिप्लेस किया स्पेस पर सम वैल्यू. वैल्यू मीन्स इन दैट केस व्हाट इज द इनिशियल वैल्यू ऑफ आई? वैल्यू ऑफ आई जीरो. इन दैट केस मेमोरी एलोकेशन कर रहा है फॉर वेरिएबल्स एन कॉमा आई. देर आर टू वेरिएबल्स एन एंड आई. इनिशियल वैल्यू ऑफ एन इज गार्बेज, आई इज जीरो. सबसे पहले प्री या पोस्ट? प्री. पहले इंक्रीमेंट होगा देन रिप्लेसमेंट मीन्स वन. नाउ दिस बिकम्स लाइक दैट एन इक्वल्स टू माइनस वन. फाइनली एन में कैसा हो जाएगा? माइनस वन. लाइक दैट इस इट इज वैलिड एक्सप्रेशन, नो प्रॉब्लम. But concentrate on next problem or next expressions. In second case, n equals to plus plus minus I. Plus plus minus I. In beginning, we are discussing rules for unary operators. Unary operator ke case mein just maine aapko ek rule solve karaya tha, rule explain kiya tha. यूनरी ऑपरेटर और यूनरी प्लस प्लस और माइनस माइनस ओनली वेरिएबल्स पर, वेरिएबल्स के साथ अप्लाई करना पॉसिबल था. इट इज नॉट एप्लीकेबल फॉर वैल्यूज. इस केस में देखें तो प्रैक्टिकली और फिजिकली मीन्स कहीं भी आपको वैल्यूज हो नहीं रहा. मीन्स सारे केस क्या हैं? वैल्यूज. बट इनडायरेक्टली इन दैट केस जब इसे एक्सप्रेशन को सॉल्व करें तो इसमें भी अगेन क्या है? सेम यूनरी ऑपरेटर प्लस प्लस माइनस प्लस प्लस और यूनरी माइनस, दोनों का प्रायोरिटी एक्जैक्टली सेम है और सेम प्रायोरिटी यूनरी ऑपरेटर सॉल्व कैसे होंगे? फ्रॉम लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट? फ्रॉम राइट टू लेफ्ट एसोसिएटेड रूल. राइट टू लेफ्ट के अकॉर्डिंग सबसे पहले अप्लाई क्या करेंगे? माइनस. माइनस के अकॉर्डिंग जस्ट इन दैट केस जब भी कोई ऑपरेटर किसी भी वेरिएबल के साथ अप्लाई हुआ देन सभी ऑपरेटर के रिजल्ट्स किस फॉर्म में रिटन होंगे? इन द फॉर्म ऑफ वैल्यूज. माइनस आई, आई का वैल्यू क्या है इस केस में? इनिशियली आई इज वन. वन है तो उसका मीनिंग क्या हुआ? माइनस वन. माइनस वन इज वैल्यू और वेरिएबल्स वैल्यू. आफ्टर दैट वी आर अप्लाइंग प्लस प्लस ऑपरेटर ऑन द माइनस वन. माइनस वन वैल्यू ऑलरेडी मीन्स माइनस ऑपरेटर की वजह से आई कन्वर्ट किस फॉर्म हो चुका? इन द फॉर्म ऑफ रिजल्ट एज अ वैल्यू. और वैल्यू में कभी भी इंक्रीमेंट करना पॉसिबल नहीं. दैट्स वाई कंपाइल टाइम एरर एल वैल्यू रिक्वायर्ड. क्या है इस केस में? कंपाइल टाइम एरर एल वैल्यू रिक्वायर्ड. मीन्स इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करना पॉसिबल नहीं, स्टार्ट ही नहीं करेंगे. जब ये कोड कंपाइल हुआ तो कंपाइलेशन टाइम में रेज किया सम एरर बिकॉज ऑफ दैट केस.
रीजन सबसे पहले माइनस अप्लाई करो, माइनस के अकॉर्डिंग आई किस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए, इन द फॉर्म ऑफ वैल्यू, वैल्यू के बाद इंक्रीमेंट वैल्यूज में करना पॉसिबल नहीं, देयरफॉर कंपाइल टाइम एरर एज एल वैल्यू रिक्वायर्ड. नाउ नेक्स्ट वन, सेकेंड क्वेश्चन दैट वन, इन दैट केस, इस केस में क्या है, कंपाइल टाइम एरर. इन दैट केस अगेन माइनस इज एन यूनरी ऑपरेटर, माइनस माइनस इज एन पोस्ट डिक्रीमेंट, प्लस इज बाइनरी प्लस, हेयर प्लस प्लस लाइक दैट. इस केस में अगर राइट टू लेफ्ट कॉन्सोलिडेट करें तो सबसे पहले फर्स्ट राइट मोस्ट बिगिनिंग टू प्लस प्लस कंसिडर होंगे एज अ बाइनरी, सॉरी यूनरी इंक्रीमेंट, एंड हेयर प्लस बिकम्स यूनरी प्लस लाइक दैट. इस टाइप से सॉल्व करेंगे एंड फाइनली टू वेरिएबल्स क्रिएट किए एन एंड ए, एन एंड ए. इनिशियल वैल्यू ऑफ ए इज 5, इनिशियल वैल्यू ऑफ एन इज समथिंग गार्बेज. नेक्स्ट वन, जैसे इसे एक्सप्रेशन को सॉल्व करेंगे, फर्स्ट वन ऑपरेशन का टाइप क्या है, असाइनमेंट रूल अप्लाई क्या करें, असाइनमेंट रूल, असाइनमेंट रूल के अकॉर्डिंग परफॉर्म ऑल प्री देन असाइनमेंट देन पोस्ट ऑपरेशंस. प्री के अकॉर्डिंग हाउ मेनी प्री ऑपरेटर इन देयर, देयर आर वन प्री, मीन्स डिक्रीमेंट की बात करें डिक्रीमेंट का टाइप क्या, पोस्ट डिक्रीमेंट नॉट अ प्री, बट हेयर प्लस प्लस इज एन प्री, प्री है तो पहले जब प्री अप्लाई करेंगे इन विच वेरिएबल ए, नाउ ए बिकम्स 6. देन असाइनमेंट, असाइनमेंट किस में हो रहा है, एन में, तो एन के केस में ए के सारे ऑकरेंस ए के करेंट वैल्यू से रिप्लेस करेंगे. इस असाइनमेंट के अकॉर्डिंग पहले एक्सप्रेशन सॉल्व हुआ, माइनस यूनरी ऑपरेटर तो माइनस के प्लेस पर क्या आएगा, माइनस ए माइनस माइनस के प्लेसेस पर क्या रिप्लेस करेंगे, वैल्यू ऑफ ए विच इज 6. देन बाइनरी प्लस के प्लेस पर प्लस, देन अगेन बाइनरी प्लस के प्लेस पर क्या आएगा प्लस, सॉरी यूनरी प्लस दैट वन. नेक्स्ट वन प्लस प्लस ए के प्लेस पर होकर क्या हुआ, ए का वैल्यू 6 लाइक दैट. देन प्लस प्लस दोनों बाइनरी ऑपरेटर, यूनरी ऑपरेटर है, यूनरी प्लस प्लस को प्लस प्लस के केस में प्लस प्लस का मल्टीप्लीकेशन क्या हुआ, ऑल्सो प्लस, यहाँ से इट इज कन्वर्टेड एज सिंगल प्लस दैट मीनिंग. देन एडिशन ऑफ माइनस 6 एंड प्लस 6 बिकम्स 0, फाइनली एन में क्या हो जाएगा 0, माइनस 6 और प्लस 6 को ऐड कराएं रिजल्ट क्या आएगा 0, 0 इज असाइन टू द वेरिएबल एन, नाउ एन बिकम्स 0. आफ्टर दैट पोस्ट ऑपरेशंस, पोस्ट ऑपरेशन किस केस में परफॉर्म हो रहा है, ए में या एन में, ए में इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट, डिक्रीमेंट ए में अगेन डिक्रीमेंट होगा, नाउ ए बिकम्स अगेन 5. दिस इज द रिजल्ट ऑफ एक्सप्रेशन, फाइनली वैल्यू ऑफ एन इज 0, वैल्यू ऑफ ए इज 5, रिजल्ट इज 0 एंड 5. क्लियर, टेक डाउन दिस. नेक्स्ट वन, कॉन्सेंट्रेट ऑन दैट एग्जाम्पल, अगेन ऑलमोस्ट सेम केस, देर आर टू वेरिएबल्स एन एंड ए, एन एलोकेशन फॉर एन एंड एलोकेशन फॉर ए. सॉल्विंग दिस एक्सप्रेशन विद इनिशियल वैल्यू ऑफ ए इज 5, इनिशियल वैल्यू ऑफ एन इज गार्बेज. नेक्स्ट वन, अगेन सबसे पहले बात करें अगेन इसका टाइप क्या, असाइनमेंट एक्सप्रेशन, पहले चेक करें इस केस में कोई कंपाइल टाइम एरर लाइक एल वैल्यू आने के चांसेस हैं क्या, नहीं, बिकॉज जस्ट माइनस क्या है, यूनरी माइनस, अगेन यूनरी माइनस, अगेन यूनरी माइनस, देन यूनरी डिक्रीमेंट, माइनस माइनस, या माइनस के केस में क्या है, स्पेसेस, इस इट इज सेपरेट बाय स्पेस, देयरफॉर इट इज कंसीडर्ड एज यूनरी माइनस नॉट अ डिक्रीमेंट, बट हेयर माइनस माइनस ऑकर कंटिन्यूसली, देयरफॉर इट इज पोस्ट डिक्रीमेंट ऑपरेशंस. पोस्ट के अकॉर्डिंग सबसे पहले अगर एल वैल्यू के लिए चेक करेंगे, एल वैल्यू के अकॉर्डिंग इस एक्सप्रेशन को मीन से सभी ऑपरेटर कैसे हैं, एक्सेप्ट नहीं असाइनमेंट यूनरी, यूनरी के अकॉर्डिंग राइट टू लेफ्ट सॉल्व होगा, राइट टू लेफ्ट सबसे पहले चांस किसको लेगा, माइनस को और माइनस माइनस को. पोस्ट डिक्रीमेंट, पोस्ट डिक्रीमेंट वेरिएबल्स के लिए अप्लाई हो रहा, देयरफॉर इट इज वैलिड एक्सप्रेशन, वैलिड है तो जब इसको सॉल्व करेंगे बेस्ड ऑन असाइनमेंट रूल, इज परफॉर्म ऑल प्री देन असाइनमेंट देन पोस्ट. सबसे पहले अप्लाई ऑल प्री, इज इट एनी प्री इज देयर, देयर इज नो प्री ऑपरेशंस, देन स्किप इट.
देन असाइनमेंट, असाइनमेंट के अकॉर्डिंग एन के केस में माइनस के प्लेस पर क्या है, माइनस माइनस माइनस, बट ए इज रिप्लेस्ड बाय करंट वैल्यू ऑफ ए विच इज 5, मीन्स क्या आएगा 5। देन यूनरी माइनस माइनस की बात करें, माइनस और माइनस का मल्टीप्लीकेशन क्या आएगा प्लस, मीन्स इट इज कन्वर्टेड, सॉरी माइनस माइनस की बात केस में बात करें अगेन इनका टाइप क्या है, यूनरी ऑपरेशन, अगेन राइट टू लेफ्ट, राइट टू लेफ्ट सॉल्व करें तो राइट टू लेफ्ट फर्स्ट माइनस सेकेंड माइनस, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन क्या हुआ प्लस, इट इज कन्वर्टेड एज प्लस, इट्स लाइक दैट। अगेन माइनस एंड प्लस का मल्टीप्लीकेशन क्या है माइनस, फाइनल मीनिंग इज माइनस फाइव, माइनस फाइव इज असाइन टू द वेरिएबल एन, नाउ एन बिकम्स माइनस फाइव। आफ्टर दैट पोस्ट ऑपरेशन, पोस्ट ऑपरेशन केस में आते हैं, पोस्ट का टाइप क्या है ए माइनस माइनस, पोस्ट ए में अप्लाई करना है एन में, ए के साथ ए में जब पोस्ट डिक्रीमेंट करना हो ए बिकम्स 4, देन फाइनल आउटपुट इज वैल्यू ऑफ एन इज माइनस 5, वैल्यू ऑफ ए इज 4। दिस इज द रिजल्ट ऑफ द ऑपरेशंस रिगार्डिंग यूनरी।